महुदी में हमारा हिंदू समाज का एक छोटा डिमांड था कि हमारा रामनवमी का जो फ्लैग है इसको आप लोग गांव आने का इजाजत दीजिए, और अगर पांच व्यक्ति को भी आप इजाजत देते हैं हम लोग खुश है। लेकिन हिंदू समाज को वो इजाजत नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों को मुहर्रम का जुलूस निकालने का भी इजाजत मिल गया है। ठीक है, आज आपका सरकार है, आप जो कर रहा है कर रहा है। अगली बार जब झारखंड में बीजेपी का सरकार होगा हम लोग सब जाके राम नवमी का जुलूस निकालूंगा विद द परमिशन ऑफ द लॉ। मुद्दा 3 साल पुराना है, ये मुद्दा 3 साल। देखिए कोई मुद्दा पुराना नहीं है, राम के लिए मुद्दा क्या पुराना है, हर दिन का ये फ्रेश मुद्दा है। मोदी का पुराना थी, मैं बोला ना मोदी तो भारत में ही है, तो राम का बाधा कहाँ होते हैं? राम को रुकने का इजाजत किसको होते हैं? हमारा देश का जो फादर ऑफ द नेशन होते थे बापूजी भी क्या बोलते थे, गोली खाने का बात भी वो बोले थे हे राम। तो हमारा देश में राम को कोई बाधा दे सकता है क्या? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन बीजेपी सरकार आएगा। एक बार तो सोल्यूशन निकाल ही गया था कि तिरंगा पटाखा का प्रोसेशन निकालो, सोल्यूशन तो हो ही गया था, लेकिन ये सोल्यूशन जेएमएम सरकार होने नहीं देते। इस लोगों को वोट से चिंता है, तुष्टिकरण का राजनीति है, तो हमें ये तुष्टिकरण का राजनीति का खिलाफ हमें आवाज उठाना है। सर पूरे देश भर पांच भर में देखा जा रहा है मुस्लिम झंडा फहराया जा रहा है, 6-7 जगह में फिलिस्तीनी झंडा उठाया गया, जो लोग भारत वर्ष का संविधान का सम्मान करते हैं ऐसे जो लोग बोले थे, क्या बोले थे? हेमंत सोरेन जी ने, उनका पार्टी ने, क्या मोदी जी आने से संविधान का खतरा है? संविधान में क्या इजाजत है फिलिस्तीन का फ्लैग उठाना? आज अगर हेमंत सोरेन जी संविधान को सम्मान करते हैं तो जो लोग फिलिस्तीन का फ्लैग उठाया ये लोगों को आप अरेस्ट करो। देखिए भाजपा का स्टेट भी पहले कांग्रेस ही था, शुरुआत कांग्रेस ने ही ये सब करके किया है, कोई भाजपा सरकार ने मद्रासा नहीं बनाया, कांग्रेस ने ही मद्रासा बना के किया है। और अभी हम लोग मद्रासा को, मैं आसाम में 700 मद्रासा बंद किया और बहुत कुछ काम हमारा स्टेट में हो रहा है। संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत में भारत वर्ष का गुणानुकीर्तन होते हैं, हमारा नद नदी हमारा भूगोल का गुणानुकीर्तन होता है। कोई अगर बोलता है संस्कृत और मद्रासा समान है वो कुछ नहीं जानते हैं। संस्कृत में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत में ह्यूमैनिटी का बात बोला जाता है, संस्कृत में हिंदू कम है ह्यूमैनिटी ज्यादा है, विज्ञान ज्यादा है मैथ्स ज्यादा है। कोई लोग ये नहीं समझ के अगर हिंदू संस्कृत और मद्रासा को इक्वल करना चाहते हैं उसका ज्ञान का ऊपर मेरा खुद का डाउट हो जाएगा। पुलिस कर्मियों पर आज लाठीचार्ज किया गया सहायक, देखिए जिस रूप से पुलिस सहायक का ऊपर लाठीचार्ज किया जा गया है बहुत ही निंदनीय है। हेमंत सोरेन जी ने चुनाव का पहले बोला था कि उनका जॉब रेगुलराइज करूंगा, अगर आपने बोला था तो आपको करना चाहिए, आप नहीं बोले थे तो अलग बात था, लेकिन आपने बोला था कि मैं रेगुलर करूंगा, अगर आप बोले थे तो उनका ये लेजिटिमेट डिमांड होते हैं कि भाई चुनाव का पहले मुझको करके दीजिए। लाठी मारना ये तो कोई नीति का बात नहीं हुआ, अगर आप नहीं बोलते थे तो अलग बात, लेकिन आप बोले थे तो आपको आज उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैं कल सुबह जो हॉस्पिटल में है उनको मिलूंगा, लेकिन जहां एजिटेशन हो रहा है वहां मुझको जाना ठीक नहीं है, मैं एक अलग प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो लोग को मिलने के लिए मैं प्रयास करूंगा कल सुबह। सर आने वाले समय में झारखंड चुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है? जारी चुनाव में बीजेपी का भव्य विजय होना चाहिए, झारखंड का भविष्य के लिए बीजेपी सरकार इस बार बनना बहुत जरूरी है। तैयारी चल रही है सर, तैयारी चल रही है? देखिए तैयारी झारखंड का जनता को करना है,
मैं क्या कर सकता हूँ। तैयारी का जिम्मेदारी, तैयारी करने का काम झारखंड का जनता का है, हम लोग तो खाली प्रेरणा ही दे सकता हूँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।